नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत बुलेट रिपोर्टर एपिसोड। नगर पंचायत लम्बुआ में हम मौजूद हैं और हमारे बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव जी भी हैं और यहाँ नगर पंचायत लम्बुआ के अधिकृत सपा प्रत्याशी अतेंद्र जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए सीधे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यादव जी से ये जानते हैं कि किस तरह से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा रहे हैं, क्या इनका एजेंडा होगा जीत के बाद का। देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लम्बुआ नगर पंचायत जो पहली बार गठन हुआ है उसमें श्री अतेंद्र जायसवाल को समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए हैं। तो यहाँ पर हमारे नगर पंचायत लम्बुआ से जो हमारे पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं और नगर पंचायत क्षेत्र के सम्मानित लोग, सम्मानित जनता, हर वर्ग के व्यापारी और क्या कहते हैं कि मुस्लिम समाज, बैकवर्ड, दलित, सर्व समाज के लोग अतेंद्र जायसवाल के साथ हैं और बड़ी मजबूती के साथ लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बहुत समर्थन मिल रहा है और निश्चित तौर से अतेंद्र जायसवाल यहां से जीतेंगे। पता चला है कि यहां पर बहुत पुराने सपाई भी जो रहे हैं वो भी टिकट मांगने की लाइन में थे, तो ऐसे स्थिति में लोग नाराज हैं अंदर खाने में, उनको कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे, कैसे उनसे। देखिए, समाजवादी पार्टी में टिकट मांगने वाले हमारे नेताओं, कार्यकर्ताओं की लंबी लाइन थी, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अतेंद्र जायसवाल को प्रत्याशी बनाए हैं। यहाँ पे कोई इस तरह की बात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, सभी लोग अतेंद्र जायसवाल के साथ हैं। सब लोग तन मन धन से जो मदद कर रहे हैं और उनको जिताने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है कि आज व्यापारी समाज जो है लम्बुआ का अतेंद्र जायसवाल के साथ है और मुस्लिम समाज जो है अतेंद्र जायसवाल के साथ है और दलित समाज, बैकवर्ड समाज, सब लोग साथ हैं, क्योंकि आज भाजपा की सरकार जो है हर तरह से लोगों को परेशान करने का काम किया है, हर तरह से महंगाई बढ़ाया है, हर तरह से लूट घसोट किया है। गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी सब परेशान है सबका। इसमें आज जो इस समय मौजूदा स्थिति है सरकार की, हर जगह देखिए लूट घसोट, भ्रष्टाचार चल रहा है, पिछड़े और दलित का आरक्षण संविधान खत्म किया जा रहा है, लूट मची है चारों तरफ से। तो इसलिए सब लोग भाजपा से ऊब गए हैं और अब की बार इसको मतलब भाजपा को हरा करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। यही नगर पंचायत लम्बुआ ही नहीं, सुल्तानपुर में, दोस्तपुर, कादीपुर, हर जगह समाजवादी पार्टी। जिस पाठक जी आए थे हमारे यहाँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं यहाँ, शायद आप रहे हों, नहीं तो जो पत्रकार साथी आप पूछ लीजिए कितने लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 की संख्या थी, कोई गया नहीं। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता यहाँ के सब परेशान थे, बुलाने पर यहाँ की सम्मानित जनता ने उनको नकार दिया, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बहुत ठगे गए हैं, बहुत इन लोगों ने झूठ बोला हम लोगों के साथ, इन लोगों के बहकाव में हम लोग नहीं आएंगे। तो कई ना तो यहाँ नगर पंचायत लम्बुआ में न सुल्तानपुर में कोई गया नहीं, आप लोग थे वहाँ पर। तो अतेन जी, आप जीतने के पहले कुछ आपका एजेंडा होगा क्या बिगा? अभी कल ही जो है बारिश भी काफ़ी हुई, क्या स्थिति रही? कुछ जलभराव का बहुत ज़्यादा समस्या है, उस पर हम लोग निजात पाने का काम करेंगे और अस्पताल का जीर्णोद्धार कराने काम करेंगे और तालाब को पक्कीकरण कराएंगे। जो भूमिहीन हैं, जिनके पास आवास नहीं है, उनको तुरंत ही कॉलोनी और भूमि का आवंटन किया जाएगा। आपके पार्टी के जिला स्तर के नेता कौन, अभी कुछ लोग कौन ऐसे पदाधिकारी आए हैं प्रचार करने? शकील अहमद जी आए हैं यहाँ पे और रिजवान पप्पू जी आए हैं, हमारे पर्यवेक्षक संतोष पांडे जी लगे हुए हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री पृथ्वीपाल जी लगे हुए हैं, पूर्व जिला सचिव सतपाल जी लगे हैं, सभी लोग लगभग हमारे साथ हैं। आप जीतने के बाद प्रमुख क्या लग रहा है, आपके कितने सीटों के अंतर, मतलब मतों के अंतर से जीत जाएंगे ऐसा कुछ? हमें ऐसा लग रहा है कि हम 1200 से 1500 वोट से जीतेंगे, हमारी किसी दल से कोई लड़ाई नहीं है। मतलब आप अपने को फाइनल मान रहे हैं हमारी जीत पक्की? हाँ, एकदम पक्की। तो ये थे हमारे सपा प्रत्याशी अतेंद्र जायसवाल जी, जिन्होंने बेबाकी से सवालों का जवाब दिया, साथ ही पूर्व जिलाध्यक्ष ने भी बताया कि हम किस तरह से यहाँ अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में हैं।